काफी चर्चा में रह चुकी फिल्म उजरा चमन की स्पेशल स्क्रीनिंग कल रात मुंबई में रखा गया, जहां बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन, कार्तिक आर्यन और दूसरे एक्टर्स के साथ साथ टेलीविजन एक्टर्स भी नजर आए। तारा सुतारिया रकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म मरजावा को प्रमोट किया मुंबई के एक होटल में। यहां मीडिया कर्मियों ने तारा को लेकर की एक डबल मीनिंग जोक। वैसे रकुल इस फिल्म में कोई किरदार नहीं निभा रही है, बल्कि उन्होंने इस फिल्म में एक आइटम नंबर किया है। ताया तुम बहुत हिलाते हो यार। ऊटी में सड़क 2 की शूटिंग को खत्म करके मुंबई पहुंची आलिया भट्ट को उनके को स्टार आदित्य रॉय कपूर के साथ इन्हें मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इक्कीस साल की उम्र में अनु मलिक ने सिंगर नेहा भसीन से की थी बदतमीजी। नेहा ने इसका खुलासा अपने ट्विटर अकाउंट पर किया है। दरअसल इंडियन आइडल सीजन 11 में एक बार फिर अनु मलिक की वापसी हो गई है, जिसके चलते सिंगर सोना मोहापात्रा ने लगातार अपने ट्वीट्स के सहारे अपने गुस्से को जाहिर किया है। मीटू मोमेंट में अनु मलिक के खिलाफ बोलने के बाद उन्हें शो पर जज की सीट छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन अब एक साल बाद एक सेक्सुअल हरासर एक बार फिर उसी सीट पर जाकर बैठ गया है। अनुष्का शर्मा का एक हैरान करने वाला ट्विटर पोस्ट सामने आया। इस पोस्ट में अनुष्का शर्मा ने अपना गुस्सा जताते हुए ये बताने की कोशिश की है कि वो अपना नाम भारतीय क्रिकेट से जुड़े किसी भी विवाद में फंसने नहीं देगी। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के एक्स विकेट कीपर फारूक इंजीनियर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया था कि वर्ल्ड कप 2019 के दौरान क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स ने अनुष्का शर्मा को चाय परोसी थी। अनुष्का शर्मा ने फारूक इंजीनियर के दावों पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी ना समझिए। अनुष्का की नाराजगी पर एक्स विकेट कीपर फारूक इंजीनियर ने मांगी माफी। फारूक इंजीनियर ने रिपब्लिक टीवी पर कहा कि उन्होंने ये बयान मजाक में दिया था और अनुष्का को बिना मतलब इस विवाद में घसीट लिया गया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में अनुष्का और विराट की इज्जत की। ओपन लेटर लिखकर अनुष्का शर्मा ने जिस तरीके से ट्रोलर्स को जवाब दिया, उसके सपोर्ट में उतरे ये बॉलीवुड स्टार्स। रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, परिणीति चोपड़ा, काजल अग्रवाल आदि का नाम शामिल है। अनुष्का के नोट पर रणवीर सिंह ने लिखा है, हार्ड हार्ड दिएला है। वही परिणीति चोपड़ा ने लिखा है, लव यू अनुष्का। अर्जुन कपूर ने लिखा है, करारा शॉट मारा है। सोनम कपूर, जैकलीन फर्नांडिस ने इस पोस्ट पर कमेंट किया है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र में हुई शाहरुख खान की एंट्री। शाहरुख खान अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में कैमियो रोल में नजर आएंगे। फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मुख्य किरदार में है। वहीं अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, मोनी रॉय और डिंपल कपाड़िया का भी अहम किरदार है। पिछली बार शाहरुख आनंद एल राय की फिल्म जीरो में नजर आए थे, हालांकि ये फिल्म कुछ खास करने में नाकामयाब साबित हो गई थी। सलमान खान ने प्रभु देवा की अगली फिल्म राधे की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में उनके साथ दिशा पाटनी और जैकी श्रॉफ भी होंगे। शूटिंग शुरू करने की घोषणा करते हुए सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। सलमान खान के दुश्मन बनेंगे रणदीप हुड्डा, फिल्म राधे में निभाएंगे विलन का किरदार। सूत्रों से जानकारी मिली है कि रणदीप हुड्डा फिल्म में नेगेटिव किरदार में दिखाई देंगे। सूत्रों का कहना है, उन्हें ये किरदार काफी अच्छा लगा और इसीलिए वो इस किरदार की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए हैं। अगले साल ईद पर रिलीज होनी है राधे।